नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको स्कैल्प में अगर खुजली रहती है, मतलब आपके हेड में यहाँ पर अगर कहीं भी खुजली रहती है और इचिंग होती है आपको बहुत ज़्यादा, तो आज मैं उसके बारे में बताऊंगा और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते दोस्तों। अगर आपके सर में बहुत ज़्यादा खुजली होती है और स्कैल्प में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है और आप खुजलाते समय उसमें से हल्का हल्का व्हाइट कलर का या येलो कलर का स्कैल्प से भूसी जैसी आपको निकलती है, उसको स्केलिंग बोलते हैं और डैंड्रफ भी बोल सकते हैं आप। तो वो अगर आपको बार बार डैंड्रफ निकल रहा है और उसके बाद अगर आप उसमें पानी भी हो सकता है और हो सकता है कि वो स्कैल्प में सूखापन रहता हो और उसके साथ हो सकता है कि आपको बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ते हो। तो अगर आपको इस टाइप की प्रॉब्लम है और स्कैल्प में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि कौन कौन सी बीमारी है जिनके कारण आपको स्कैल्प में इचिंग होती है। बहुत सारी 3-4 प्रकार की बीमारी है और उसके बाद उसके होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी हैं जिसके कारण आपको ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं और आपको इस चीज़ का समाधान मिल सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन सी बीमारी है। सबसे पहली है एटॉपिक डर्मेटाइटिस। एटॉपिक डर्मेटाइटिस जो है आपकी, वो उसमें क्या क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ और क्यों होता है। तो पहले तो ये फंगल इन्फेक्शन है और ये जेनेटिक भी हो सकता है और इसके स्पेसिफिक कॉज अभी तक मालूम नहीं हुए हैं। मोस्टली फंगल इन्फेक्शन, मोस्टली इन्वायरमेंटल कॉज, अगर आप ऐसी जगह डस्ट वगैरह में काम करते हैं तो ये ज़्यादा हो जाता है। तो एटॉपिक डर्मेटाइटिस में क्या होता है मैं बता देता हूँ। तो उसमें रेडनेस रहेगी आपके स्कैल्प में, रेड कलर का हो जाएगा। मैं फ़ोटो देने की कोशिश करूँगा तो वो फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। तो रेड कलर का पूरा स्कैल्प हो जाएगा और क्रैक रहेगा, मतलब फटने लगेगा स्कैल्प, वहाँ से फटने स्किन जो है फटने लगेगी, अलग अलग क्रैक, जैसे आपकी एड़ियाँ फट जाती हैं, वो भी एक एटॉपिक डर्मेटाइटिस है और ये भी एक एटॉपिक डर्मेटाइटिस का मैं ही एग्जांपल बता रहा हूँ। तो हल्का सा फटने लगेगा, रेड रहेगा, बहुत ज़्यादा खुजली होगी, इचिंग होगी, आप खुजलाएंगे तो थोड़ा सा भुरभुरा सा स्कैल्प से स्केलिंग भी होगी, लेकिन उसका स्पेसिफिक है कि वो फटने लगेगा, मतलब जैसे एड़ियाँ फटती हैं वैसे स्कैल्प में हल्का सा फटन आ जाएगा। तो ये होता है एटॉपिक डर्मेटाइटिस। अब दूसरी चीज़ें के बारे में बात करते हैं, दूसरी बीमारी के बारे में। तो सेबोरिक डर्मेटाइटिस होता है और ये मोस्टली सेबेसियस ग्लैंड में होता है। अगर सेबेसियस ग्लैंड में किसी फंगल इन्फेक्शन के कारण या कुछ और इन्वायरमेंटल या जेनेटिक चीज़ों के कारण अगर वहाँ पर सेबेसियस ग्लैंड में इन्फ्लामेशन हो गया है, डर्मेटाइटिस का मतलब होता है स्किन में इन्फ्लामेशन होना, स्किन में या बैक्टीरिया के कारण या फंगल इन्फेक्शन के कारण या वायरल इन्फेक्शन के कारण अगर आपको कहीं भी इन्फ्लामेशन होता है, कहीं भी वहाँ पर सूजन आ जाती है, दर्द होता है, खुजली होती है, तो उस चीज़ को आइटिस बोलते हैं। वो कहीं भी हो सकता है पूरे बॉडी में, अगर स्किन में है तो वो डर्मेटाइटिस है। तो सेबोरिक डर्मेटाइटिस में सेबेसियस ग्लैंड में इन्फ्लामेशन होता है ड्यू टू फंगल इन्फेक्शन, और बहुत सारे फंगस हैं जिनके कारण इन्फ्लामेशन होता है। मैं पूरी डिटेल एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसमें धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें जल्दी कवर करना है। तो सेबोरिक डर्मेटाइटिस में आपको क्या होगा, साइन एंड सिम्टम्स मैं बताता हूँ कि बहुत ज़्यादा खुजली होगी, बहुत ही ज़्यादा खुजली होगी और रेड कलर के ऐसे लाइन लाइन से आपके यहाँ पर ऐसे और ऐसे और ऐसे या फिर ऐसे पैचेस या फिर ऐसे या ऐसे यहाँ पर रेड कलर के आपको पूरा रेड कलर का एक पैच मिलेगा वहाँ पर और बहुत ज़्यादा खुजली होगी। उसके बाद एक पपड़ी सी बन जाएगी, वो हो सकता है कि पपड़ी वाइट कलर की हो या हो सकता है वो येलो कलर की हो, लेकिन पपड़ी बनना इसमें ज़रूरी है। लेकिन इसमें फटेगा नहीं, सिर्फ पपड़ी बनेगी और आप ऐसे ऐसे करेंगे तो पपड़ी झड़ जाएगी। और यहाँ भी हो सकता है, ये चेहरे में भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ये डर्मेटाइटिस है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस है और इसको सेबोरिक एक्जिमा भी बोलते हैं, लेकिन मैं एक्जिमा टर्म नहीं लूँगा क्योंकि एक्जिमा बहुत, आप लोग एक्जिमा सोचते हैं कि लंबे समय तक चलेगा तभी एक्जिमा होता है, आप डर्मेटाइटिस ही रखिए उसको। और यहाँ पर रेड कलर का अगर आपको रहे और बिल्कुल झड़ जाए तो ये सेबोरिक डर्मेटाइटिस है। सेबेसियस ग्लैंड में जहाँ से सीबम निकलता है अगर उस ग्लैंड में इन्फ्लामेशन हो तो सेबोरिक डर्मेटाइटिस उसको बोलते हैं, और रेड कलर का रहेगा और बहुत ज़्यादा उसमें इचिंग होगी और आप जब खुजलाएंगे तो वाइट कलर का या येलो कलर का आपको स्कैल्प निकलेगा, मतलब उसमें पपड़ी पपड़ी सी निकलेगी। तो ये होता है सेबोरिक डर्मेटाइटिस। सोरियसिस के बारे में एक वीडियो मैंने बना दिया है, यहाँ पर एक लिंक दे दूंगा तो आप देख लीजिएगा। सोरियसिस में स्कैल्प होता है और सोरियसिस लगभग बहुत लॉन्ग टर्म डिसीज है, ये आपको अगर हो गई है तो 4-5 साल में, और यहाँ पर आप स्केलिंग होगी और स्केल जब निकाल देंगे आप भूसी तो रेड कलर का आपको अलग से दिखेगा सोरियसिस में, पूरा स्केल्प यहाँ से ऐसे ऐसे ये पूरा रेड दिखेगा, पूरे स्केल्प में रेड दिखेगा सोरियसिस में,
और बहुत ज़्यादा स्केलिंग आप ऐसे ऐसे झाड़ देंगे तो स्केलिंग वाइट वाइट कलर का रहेगा, येलो नहीं होता सोरियसिस में, मोस्टली वाइट ही होता है, लेकिन सेबोरिक डर्मेटाइटिस में येलो होता है। तो ये दोनों एक मैं अलग अलग बता रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि आपको सोरियसिस है कि सेबोरिक डर्मेटाइटिस है। तो सेबोरिक डर्मेटाइटिस में येलो हो सकता है, वाइट भी हो सकता है, लेकिन सोरियसिस में येलो ही होगा, वाइट ही होगा, येलो नहीं होगा। और सोरियसिस में जब आप झाड़ देंगे तो रेड कलर का आपको अलग से स्किन में दिखेगी, लेकिन सेबोरिक डर्मेटाइटिस में आपको स्किन नॉर्मल हो जाएगी झाड़ने के बाद। फिर तो 2-3 दिन बाद फिर वो रेडनेस आएगी, फिर वो स्केलिंग होगी, लेकिन इसमें अलग से एक रेड कलर की मार्जिन आपको सोरियसिस में दिखेगी। और सोरियसिस बहुत लंबे समय तक चलती है, और सोरियसिस जेनेटिक ही होती है, और इसके कॉज अभी तक अननोन है, ऑटो इम्यून डिसीज है। और एक होता है एक्जिमा, एक्जिमा ये सब टाइप भी एक्जिमा में आते हैं, और अगर लंबे समय तक कुछ चीज़ चल जाए तो उसको एक्जिमा में आप गिन लीजिए, और वो फंगल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। उसमें सब आपको सेबोरिक एक्जिमा भी हो सकता है, आपको एटॉपिक के कारण भी एक्जिमा हो सकता है, आपको नॉर्मल तो क्या कहते हैं सोरियसिस तो अलग ही बीमारी है, और बाकी एक्जिमा के कारण भी हो सकता है, एक्जिमा फंगल इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है, आपको जेनेटिक भी हो सकता है। मोस्टली एक्जिमा जेनेटिक ही होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आप इसमें सब में परसेंटेज वाइज देखें तो 50% सेबोरिक डर्मेटाइटिस के कारण इचिंग होती है, और सोरियासिस के कारण 30% इचिंग होती है, एक्जिमा के कारण 10% इचिंग होती है, एटॉपिक डर्मेटाइटिस के कारण 10% इचिंग होती है, और कॉमन कॉज जो होता है वो एलर्जिक डर्मेटाइटिस वगैरह 5-5% में आपके लिए। तो ये पूरा सिनेरियो है खुजली होने का, और सबसे ज़्यादा सेबोरिक डर्मेटाइटिस के लिए वो इचिंग होती है। तो बस आपके स्कैल्प में मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे खुजली बहुत ज़्यादा होती है और क्या क्या कारण है स्कैल्प में खुजली होने का। अब चलते हैं सबसे मेन पार्ट इस वीडियो का कि होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत इफेक्टिव कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों सबसे पहली और सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है डर्मेटाइटिस के लिए, अगर आपको खुजली बहुत स्कैल्प में बहुत ज़्यादा खुजली होती है तो उसके लिए सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है सल्फर 30। ये आप देख लीजिए और आप 30 ml में ले लीजिएगा, मैं यहाँ पर एक फ़ोटो आपको लगा के दे दूंगा, तो वो आप फोटो देख के ले लीजिएगा। और ये दवा अगर आपको स्कैल्प में इतनी ज़्यादा इचिंग हो कि खुजलाते खुजलाते खून निकल आए तो ये स्कैल्प के सल्फर 30 बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, और ये स्किन के लिए मदर मेडिसिन है होम्योपैथिक में। अगर स्किन में एक्जिमा हो या डर्मेटाइटिस हो या सोरियसिस हो या एटॉपिक डर्मेटाइटिस हो, किसी भी तरह की डर्मेटाइटिस के लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके सिम्टम्स मिलने चाहिए, मतलब इतना ज़्यादा खुजली हो कि खून निकल आए और सूखापन रहता है इसमें, इसमें गीलापन नहीं रहता, अगर वहाँ पर पानी पानी जैसा निकल रहा है तो सल्फर ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगी, अगर वहाँ पर सूखा है तो सल्फर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। और सल्फर 30 2 बूंद सुबह सुबह अगर आप ले लेंगे तो खुजली दिन भर नहीं होगी, लेकिन सल्फर 30 किसी किसी को नुकसान करती है, किसी किसी को एग्रावेशन करती है। तो अगर आपको शुरुआत में सल्फर 30 लेने से थोड़ा सा खुजली बढ़ जाए तो सल्फर 30 फिर मत लें, अगर आपको नहीं बढ़ती है खुजली और खुजली कम होते जाती है तो सल्फर 30 आपके लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। और सल्फर 30 को आप 2 बूंद सुबह सुबह आपको लेना है, और इसमें इतनी ज़्यादा खुजली होती है कि आपको खुजलाते खुजलाते तो आपको वो तो निकलेगा ही, आपको डैंड्रफ निकलेगा, येलो कलर का भी निकलेगा, लेकिन साथ में आपको बहुत ज़्यादा खून भी निकलेगा, ऐसे ऐसा हल्का, इतना ज़्यादा जब तक खून नहीं निकलेगा तब तक आप खुजलाएंगे, तो इसका एक सिम्टम्स ये होता है। अब चलते हैं दूसरी मेडिसिन की तरफ, तो ये है पेट्रोलियम 200, और ये सेबोरिक डर्मेटाइटिस के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, खासकर उनके लिए जो जहाँ पर सूखापन रहता है, मतलब आप ऐसे खुजला देते हैं तो वाइट वाइट कलर के तो डैंड्रफ निकल जाता है, डेड स्किन निकल जाती है, और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा खुजली होती है और रेड कलर का पैचेस बचा रहता है, तो इस कंडीशन में आपको पेट्रोलियम 200 लेना चाहिए। और मैं पेट्रोलियम 200 फिर से आपको दिखा देता हूँ, और यहाँ पर एक मैं पेट्रोलियम 200 मेरे यहाँ ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है मेडिसिन, खासकर स्किन डिसीज में बहुत ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ। 2-2 बूंद सुबह शाम आप पेट्रोलियम 200 ले लीजिए सल्फर 30 के साथ, तो सल्फर 30 आपको लेना है सुबह सुबह और पेट्रोलियम 200 लेना है 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपके स्कैल्प में इचिंग हो और साथ में स्केलिंग हो और साथ में सूखापन रहे, मतलब ड्राइनेस रहे, और इसका मेन सिम्टम है ड्राइनेस, अगर आपके स्कैल्प में सूखापन रहता है तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और सूखेपन के साथ इचिंग रहे और साथ में स्केलिंग रहे, मतलब आप ऐसे ऐसे खुजलाएं तो वाइट वाइट कलर का निकले, डेंड्रफ या येलो कलर का भी निकले, तो ये काम करती है। अब तीसरी मेडिसिन है
आर्सेनिक एल्बम 200 या आर्सेनिक एल्बम 30, अगर आपको तुरंत हुआ है मतलब लगभग 7-8 दिन के अंदर ये चीज हुई है तो आर्सेनिक एल्बम 30 लीजिए। अगर आपको इसको 1 साल लगभग हो गया है तो फिर आर्सेनिक एल्बम 200 लीजिए। अगर आर्सेनिक एल्बम 200 लेते हैं तो 2 बूंद सुबह शाम लीजिए। अगर आर्सेनिक एल्बम 30 लेते हैं तो 2 बूंद सुबह दोपहर शाम लीजिए, ठीक है। फिर आर्सेनिक एल्बम 30 में क्या होगा, तो आर्सेनिक एल्बम 30 में हल्के हल्के दाने भी निकल सकते हैं और ब्लैक कलर का भी हो सकता है, उसमें डैंड्रफ भी हो सकता है और स्केलिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो स्केलिंग आपको ऐसे ऐसे जैसे खुजलाएंगे तो वाइट कलर की स्केलिंग होगी और बहुत ज़्यादा खुजली होगी और जलन भी होगी। तो आर्सेनिक में थोड़ी सी जलन भी होती है, थोड़ी खुजली भी होती है, रेडनेस भी रहता है। और मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप आर्सेनिक किसी भी तरह का डर्मेटाइटिस हो तो मैं आर्सेनिक देता हूँ और आर्सेनिक बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है और साथ में इसका कोई भी एग्रावेशन नहीं है तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। सल्फर के थोड़े एग्रावेशन होते हैं लेकिन आर्सेनिक 30 या आर्सेनिक 200 के मैंने अभी तक अपनी प्रैक्टिस में किसी भी तरह का कोई भी एग्रावेशन नहीं देखा है। तो आर्सेनिक 200 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। सेबोरी डर्मेटाइटिस में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे और एटॉपिक डर्मेटाइटिस के लिए भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर ब्लैक कलर का हो, स्केलिंग हो, बहुत ज़्यादा इचिंग हो, साथ में बर्निंग हो तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। डर्मेटाइटिस के केस में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है आर्सेनिक 30। 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम आर्सेनिक 30। अगर आपको तुरंत हुआ हो, अगर आप 1 साल हो चुका है तो आर्सेनिक 200 लीजिए, 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को। और फिर उसके बाद एक मेडिसिन आती है मेजेरियम 30। तो मेजेरियम 30 का रहता है कि बिल्कुल आपको सेबोरिक डर्मेटाइटिस के लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है ये, और बाकी चीज़ों के लिए तो इतनी इफेक्टिव मेडिसिन नहीं है। साथ में सोरायसिस के लिए भी इफेक्टिव मेडिसिन, लेकिन सेबोरिक डर्मेटाइटिस है आपको तो ये मेजेरियम 30 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। मेजेरियम 30 आप कैसे लेंगे मैं बता देता हूँ आपको। 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को लेना है 30, और बाकी कुछ नहीं लेना। मेजेरियम 30 अगर आप ले रहे हैं और फिर तो आपको सल्फर भी नहीं लेना, साथ में आप आर्सेनिक ले सकते हैं। तो अगर मेजेरियम 30 के लक्षण मिलते हैं, और लक्षण क्या रहते हैं, ये पपड़ी जैसी बन जाती है और पीली कलर की पपड़ी हो जाएगी, और जैसे आप पपड़ी उखाड़ते हैं ना ऐसे उखड़ जाएगी पपड़ी। अगर आप पपड़ी ऐसे हाथ से उखाड़ सकें और आपकी पपड़ी उखड़ जाए और बहुत ज़्यादा खुजली हो और उसके नीचे हल्का सा पानी पानी सा हो तो मेजेरियम 30 बहुत ही इफेक्टिव है। और आप मेजेरियम 30 ले लीजिए, बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपको, बहुत जल्दी रिजल्ट आपको मिल जाएगा और इचिंग के लिए भी बहुत इफेक्टिव है मेजेरियम 30। और एक मेडिसिन है रक्सटॉक्स 30, तो मैं रक्सटॉक्स 30 ऐसे दिखा देता हूँ आपको। और रक्सटॉक्स 30 आपको मैं यहाँ पर फोटो भी दे दूंगा। और 2 बूंद दिन में 3 बार लेना है, और इसके लक्षण है लाल लाल दाने निकलना और बहुत ज़्यादा खुजली होना, रात दिन हमेशा खुजली रहना, ये इसका लक्षण है रक्सटॉक्स 30 का। और रक्सटॉक्स 30 अगर आपको खुजली ठंडी में या डैम्प वेदर में मतलब बरसात में ज़्यादा आपको खुजली रहती है तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो अगर आपको बरसात में ज़्यादा खुजली रहती है तो ये बहुत रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अगर आपको ये सब मेडिसिन हैं, और साथ में एक AC Hash 4 टैबलेट बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है स्कैल्प में डेंड्रफ के लिए, स्कैल्प में ईचिंग के लिए। तो AC Hash 4 टैबलेट आप 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को और 2 गोली रात में ये सब मेडिसिन के साथ लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये सब मेडिसिन मैंने बता दी, और अब मैं बता रहा हूँ मेरा ओपिनियन, मेरा प्रिस्क्रिप्शन कि मैं क्या देता हूँ मोस्टली डर्मेटाइटिस में और स्कैल्प की ईचिंग में। तो मैं देता हूँ सल्फर 30 सुबह सुबह 2 बूंद, और साथ में आर्सेनिक 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार, और उसके साथ AC Hash 4 टैबलेट 2-2 गोली दिन में 3 बार। और अगर उसमें स्केलिंग में येलो येलो कलर का है और वो निकल रहा है तो मेजेरियम 30 भी दे देता हूँ 2-2 बूंद दिन में 3 बार, लेकिन अगर मेजेरियम 30 देता हूँ तो सल्फर नहीं देता। तो ये चीज़ें याद रखिए आप, और ये प्रिस्क्रिप्शन लगभग लगभग है, लेकिन AC Hash 4 टैबलेट आप लीजिए। और ये जो डर्मेटाइटिस है ये कम से कम 1 से 2 महीने लगता है इसको पूरी तरीके से ठीक होने में, तो आप कम से कम 1 से 2 महीने ये दवाइयाँ लीजिए, और ये दवाइयाँ बहुत ही इफेक्टिव हैं। और डर्मेटाइटिस के बारे में आशा करता हूँ कि मैंने अच्छी जानकारी आपको दी हो और आपको अच्छे से समझ में आया हो। और कम से कम 1 से 2 महीने आप लीजिए। और डर्मेटाइटिस के लिए बहुत सारे लोग मुझसे बोले कि मुझे वीडियो बना के दीजिए सर, और वीडियो आपका देखना है। तो ये है डर्मेटाइटिस का वीडियो, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन बिल्कुल तुरंत दबा दीजिए, और लाइक का बटन के बगल में एक बटन शेयर का है तो फेसबुक और अपने व्हाट्सएप में शेयर कर दीजिए, और उसके बगल में एक बटन है सब्सक्राइब का है, रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन यहाँ पर है, तो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिए, और उसके बगल में एक बेल आइकन जैसे ही दबाएंगे अगर पहली बार
कभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहली बार सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको एक बेल आइकन दिखेगा और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिए। तो ऐसे ही वीडियो आपको, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो डेली मिलते रहेंगे। और इसके बाद मैं लाइव क्लिनिक करने वाला हूँ, तो लाइव क्लिनिक में आप डायरेक्ट मेरे से प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, हमारे यहाँ से डायरेक्ट आपको आंसर दे सकता हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।